हरिद्वार में सावन मेले को लेकर गढ़वाल मंडल आयुक्त के नेतृत्व में सीसीआर में इंटर स्टेट बैठक की गई। इसमें उत्तराखंड के आसपास के तमाम राज्यों के अधिकारी शामिल हुए। वहीं कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने को लेकर चर्चा की गई। बैठक में आए अन्य राज्यों के अधिकारियों ने कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। वहीं कोरोना महामारी से पहले 2019 की कांवड़ यात्रा पर 3 करोड़ से ज़्यादा कांवड़ी हरिद्वार पहुंचे थे। वहीं इस बार अनुमान है कि 4 करोड़ से ज़्यादा कांवड़िए हरिद्वार आएंगे। इसी को देखते हुए भारी संख्या में अर्धसैनिक बल PSC और उत्तराखंड फोर्स के जवानों को तैनात किया जाएगा। हरिद्वार से राम गोपाल की रिपोर्ट। कई इशूज़ थे जिनको यहाँ पे डिस्कस किया गया ताकि एक कंपोजिट ट्रैफिक प्लान हमारे द्वारा बनाया जा सके, ताकि किसी भी कांवड़ियों को किसी भी प्रकार से या आम जनमानस को भी किसी भी प्रकार से कोई असुविधा ना हो। कि काफ़ी संख्या में 4 करोड़ से ऊपर की इनकी संख्या हो सकती है, तो उसी के अनुसार से हम लोगों के द्वारा पुलिस बल भी उतने ही ज़्यादा संख्या में अर्धसैनिक बल PAC और हमारे पूरे उत्तराखंड की पुलिस को हम इस व्यवस्था को संभालने के लिए लगाए। एक अपेक्षा है कि इस वर्ष जो कांवड़ यात्रा है उसमें भी काफ़ी अधिक संख्या में यात्रियों के आने की संभावना है, उसको देखते हुए समस्त व्यवस्थाएं बनाई जानी हैं।